हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की हत्या से मिडिल ईस्ट में भूचाल आ गया है। ईरान के सभी प्रॉक्सी गुट अब इसराइल पर भड़के हुए हैं। इसराइल पर प्रतिरोधी समूहों के हो रहे हमलों में लगातार तेजी आई है। इस कड़ी में इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने एक बार फिर मोर्चा संभालते हुए इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजरायली शहर इलात में प्रतिरोध के ड्रोन हमले से हलचल तेज हो गई है, तो वहीं लड़ाकों का प्रतिशोध जारी है। इराक के इस्लामी प्रतिरोध ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में इलात को निशाना बनाने का दावा किया। लड़ाकों ने अपने खतरनाक ड्रोन के जरिए इस ऑपरेशन का अंजाम तक पहुंचाया। इस दौरान सटीक हमले से इलात के एक महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया। समूह ने अपने दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़ाके अपने एडवांस ड्रोन से इजरायली शहर की ओर छोड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में हिजबुल्ला के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला की तस्वीर भी दिख रही है, जिसकी बीते दिनों इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। माना जा रहा है कि इराकी प्रतिरोध ने नसरल्ला की हत्या के जवाब में इजरायल पर ड्रोन अटैक किया है। दरअसल लेबनान का हिजबुल्ला समूह बाकी सभी गुटों में सबसे ताकतवर और हथियारों से लैस संगठन है, जो ईरान का बेहद खास और इजराइल का कट्टर दुश्मन है। हिजबुल्ला चीफ की हत्या को इजराइल बड़ी जीत करार चुका है, तो वहीं प्रतिरोध लगातार हमले बोलकर अपना रोष जता रहा है। इस्लामिक प्रतिरोध ने बयान जारी करते हुए कहा कि ताजा ऑपरेशन फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे लोगों के समर्थन में और नरसंहार के जवाब में है। ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, साथ ही और तेज होंगे, क्योंकि इजरायली कब्जा अपने नरसंहार युद्ध का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं। हालिया ऑपरेशन फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे लोगों के समर्थन में और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत नागरिकों के खिलाफ इजरायल के नरसंहारों के जवाब में है। इजरायली मीडिया ने इलात और आसपास की कई बस्तियों में अलर्ट सायरन बजने की चेतावनी दी। बताया कि ये अलार्म इराक से लॉन्च किए गए एक यूएवी के शहर के बंदरगाह में दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें दो लोग घायल हुए थे। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि इजरायली नौसेना की मिसाइल बोट ने लाल सागर के इलाके में इजरायली एयर स्पेस के बाहर एक ड्रोन को रोक लिया था। समूह ने बताया कि उसने 28 सितंबर को भी ड्रोन से कब्जे वाले याफा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला किया। समूह के सैन मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि यह ऑपरेशन हिजबुल्ला के कमांडर इब्राहिम अकील को समर्पित था, जो पिछले हफ्ते लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में मारा गया था। बता दें कि इलार जॉर्डन के पास लाल सागर पर एक दक्षिणी इजरायली बंदरगाह और रिजॉर्ट शहर है। इसके समुद्र तट अपने शांत पानी के लिए जाने जाते हैं, जहां पर इराक के लड़ाके लगातार हमला कर इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर को अशांत करने में जुटे हैं।